हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम जो प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं वो फंक्शन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दे रखे हुए हैं और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या गिवन है कि एफ एक्स जो हमारा डिफाइंड है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टू, इस तरह से करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 99 तक ये डिफाइंड है। ठीक है, तो और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ रूट टू निकालना है और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको करने के लिए या तो आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा, वो डायरेक्टली विद इन अ लाइन सो आपका सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इसको डायरेक्टली भी वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी को यूज करके इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये निकालना है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला टर्म लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ रूट टू निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें ये रूट टू, ठीक है, रूट टू हमने पुट कर दिया, तो रूट टू तो ये हो जाएगा हमारा 1.414। उसकी वैल्यू जो हम लेते हैं रूट टू की, वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.414। इसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट हमारा है वो हो जाएगा रूट टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐड करने पर 2.414। इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.414। इसी तरीके से जो लास्ट वाला टर्म है रूट टू प्लस 99, और ये हो जाएगा हमारा 100.414। तो इस केस में भी हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.414 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब सबको ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ रूट टू ये हो जाएगा 0.414 प्लस 0.414, इस तरह से करके अप टू 0.414 अप टू 100 टर्म्स, ठीक है, अप टू 100 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.414 जो कि हो जाएगा 41.4। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, हमें निकालना था एफ ऑफ रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा 41। तो हमारा जो ये गिवन सम था, तो गिवन जो सम गिवन था हमारा एफ एक्स, उसकी जो वैल्यू हो गई एफ ऑफ रूट टू पे, और उसके जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो वो आ गई 41। ठीक है, तो अब इसका हम प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रॉपर्टी जो हमारी है, प्रॉपर्टी ये है कि एक्स प्लस आई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वेयर आई इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर आई हमारा इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर ही हो जाएगी, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जितने भी वैल्यूज गिवेन है, बेसिकली हमारा एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा इस तरह से करके अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा अप टू 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, मैंने रूट टू पुट किया तो ये हो जाएगा 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट टू हो गया 0.414, और ये वैल्यू आ गई हमारी 41.4। और जब हमने ये कैलकुलेट किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया, तो वैल्यू आ गया हमारा 41। तो ये हो गया हमारा, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके भी सॉल्व कर सकते हो, और ये अगर आपने प्रॉपर्टी यूज़ की तो उससे आपका विद इन वन लाइन में ही आपका आंसर आ गया। तो अब करते हैं अपनी सेकेंड वाली प्रॉब्लम, नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। तो अब सेकेंड प्रॉब्लम में आप ये देखो कि जो ये टर्म गिवन है, पहला तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, दूसरा क्या गिवन है, एक्स प्लस ये जो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी जो भी वैल्यू है उसका हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। यहाँ पे भी एक्स है प्लस ये जो वैल्यू है एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे जितने भी ये टर्म है सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है तो यहाँ पे भी आप वही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि एक्स प्लस आई दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जहाँ पे ये आई हमारा इंटीजर है, तो ये सारे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए है, तो ये जो हमारा होगा सारे इंटीजर्स वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी एफ एक्स जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 इंटू
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो कि बराबर हो जाएगा 100 इंटू, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ, ये निकालना था, ठीक है, इसकी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हो जाएगा 100 इंटू इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट थ्री के, रूट थ्री का हम फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.732, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 73.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हो गया 73, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको डायरेक्ट, प्रॉपर्टी यूज़ करके डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। और यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो उस केस में कैसे सॉल्व करोगे, आप ये देखो कि हमने फर्स्ट टर्म लिया, ठीक है, रूट थ्री, रूट थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये तो हमारा 0.732 हो गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म जो हमने लेना, रूट थ्री प्लस ये रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फिर पूरे का हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लेना है। तो आप ये देखो कि ये रूट थ्री है तो 1 point something आपका 1.732, और यहाँ पे क्या 1 plus root 3 का स्क्वायर है, तो जो डिनोमिनेटर हमारा है ऑब्वियसली न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये जो वैल्यू आएगी जब आप डिवाइड करके निकालोगे तो ये वैल्यू 0 point something कुछ आएगा, और उसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो ये जो हो जाएगा हमारा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू, फिर हमारा ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट थ्री, जो कि 0.732 के बराबर हो गया। यही सेम थिंग हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना, x अपॉन 1 plus 2x square, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 point something के फॉर्म में आएगी, तो जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा एट लास्ट ही बच जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही हो जाएगा, तो ठीक है। तो हर केस में हमें जो भी वैल्यूज हम निकालेंगे, जैसे लास्ट वाला टर्म है उस केस में भी वैल्यू हमारी √3 upon 1 plus 99 √3 का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो डिवाइड करने पे 0 point something होगा, तो ये जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे इसका तो ये आ जाएगा 0, तो ये भी बेसिकली हमारा ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट थ्री के बराबर ही, जो कि हो जाएगा 0.732, यानी हर टाइम की वैल्यू हमारी 0.732 आ गई, जो कि 100 टाइम्स है, तो एफ ऑफ रूट थ्री क्या हो जाएगा हमारा 100 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट थ्री हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 100 into 0.732, एंड दिस इज इक्वल टू 73.2। अब इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 73, तो हमारा जो गिवन प्रॉब्लम था उस फंक्शन की वैल्यू रूट थ्री पे, और उस निकालने के बाद जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो आएगा हमारा 73। हाँ, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को तो आप इस तरीके से आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, और ये प्रॉपर्टी यूज़ करके तो आप विद इन वन लाइन आप इस प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।